दिस इज दिलीप सूटर विथ अनदर वीडियो लेक्चर। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के फोर मोर क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू सॉल्व। यू जस्ट हैव टू कंसंट्रेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? व्हेन 25 इज एडेड टू ए नंबर एंड द रिजल्ट इज हॉव्ड, द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द नंबर। अब ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, वी विल गो फॉर सपोजिशन, हम फर्ज करेंगे। फर्ज करने के बाद जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है वो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। जब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे वी विल गेट एन इक्वेशन, फिर उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो नंबर हमें पूछ रहा है लास्ट में, व्हाट इज द नंबर, वो नंबर जो है वो हमें मिल जाएगा। तो किस तरह से मैंने इसका सॉल्यूशन किया है, वी आर गोइंग थ्रू स्टेप वाइज। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेट द नंबर इज एक्स, वो जो नंबर है वो एक्स है। एक्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उस नंबर का हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेट द नंबर इज एक्स। उसके बाद ये लिखोगे हर प्रॉब्लम में जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम होगा ऑन लीनियर इक्वेशंस, उसमें ये लिखा जाएगा बाद में अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके मुताबिक हम बनाएंगे, हम जो है ना वी विल मेक एन इक्वेशन, हम एक इक्वेशन जो है ना वो बनाएंगे। तो अब क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। व्हेन 25 इज एडेड टू ए नंबर, जो नंबर हमने फर्ज करके लिया है वो x है, तो आप लिखोगे x प्लस 25, यानी कि जो नंबर है वो x है, उसमें हम 25 जो है ना वो जमा कर रहे हैं, तो आप लिखोगे x प्लस 25। एंड द रिजल्ट इज हॉव्ड, नंबर जो है हमारा x है, उसमें से हमने जो है ना 25 जो है वो जमा किए और इसकी जो रिजल्ट आएगी उसको हमें आधा करना है। हॉफ्ड का मकसद ये है, उसको हमें आधा करना है। तो आधा हम किस तरह से करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो मैंने लिखा x प्लस 25 अपॉन 2, ये जो है इस पार्ट तक, यानी कि रिजल्ट इज हॉफ्ड यहाँ तक हो चुका। उसके बाद क्या है, द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, जो आंसर आएगा यानी कि एक नंबर है उसमें हमने 25 जो है ना वो जमा किए और इसकी जो रिजल्ट है उसको हमने आधा किया, तो जो आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है यानी कि आप बराबर की सिंबल दोगे, आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, जो हमने फर्ज किया था, ओरिजिनल नंबर हमारा एक्स है, तो उसका 3 टाइम्स क्या होगा, टाइम्स से मुराद है मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स उस नंबर का क्या होगा, इट वुड बी 3x। तो इस तरह से जो हमें क्वेश्चन गिवन था उस क्वेश्चन को हमने लिखा इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द नंबर विच इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन। अब ये जो अपान में ये जो 2 है, इसका मकसद है ये 2 डिवाइड में है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने लिखा x प्लस 25 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x, और नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें 2 इंटू 3x कितना होगा, इट वुड बी 6x, यानी कि हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनी दैट इज x प्लस 25 इज इक्वल टू 6x। अब आप क्या करें, जो x वाले टर्म्स है वो बराबर की एक साइड पे होने चाहिए और जो नंबर्स है वो बराबर की दूसरी साइड पे होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो प्लस का x है बराबर की उस साइड पे जाएगा, कि राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो मैंने लिखा 6x माइनस x, और लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 25 बचेगा। तो 25 मैंने नीचे जो स्टेप है उसमें भी मैंने सेम लिखा इज इक्वल टू 6x माइनस x, माइनस x यानी 1x, 6x में से एक x जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगी 5x। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x से ये 5 जो है वो मल्टीप्लाइड है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, या इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5, रिजल्ट क्या आएगी 5। तो जो हमारा नंबर है दैट इज 5, उसमें से हम 25 जो है ना वो जमा करें और इस रिजल्ट को हम हाफ करें, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, यानी कि जो हमारा नंबर है दैट इज़ 5, 5 में से आप 25 जमा करोगे तो होगा 30,
30 को आप डिवाइड करोगे 2 से, यानी कि 30 को जब आप हाफ करोगे यानी कि उसका आधा करोगे तो 15 होगा, और जो रिज़ल्ट आ रही है यानी कि 15 जो हमारी रिज़ल्ट है ये क्या है, 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर हमारा 5 है। मूविंग अहेड, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन 18 इज एडेड टू 1/4 ऑफ ए नंबर द रिजल्ट इज 2 whole 1/2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द नंबर। अगेन द प्रॉब्लम इज सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द सपोजिशन, हमें उस नंबर का पता नहीं है, तो सबसे पहले आप लिखोगे लेट द नंबर इज एक्स, फर्ज करेंगे वो जो नंबर है वो एक्स है। उसके बाद आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो शर्त है उसके मुताबिक, शर्त कौन सी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको हम फॉलो करेंगे। व्हेन 18 इज एडेड टू 1/4 ऑफ ए नंबर, ऑफ या टाइम्स बात एक ही है, ऑफ का मकसद है मल्टीप्लाई, टाइम्स का मकसद है मल्टीप्लाई। व्हेन 18 इज एडेड टू 1/4 ऑफ ए नंबर, नंबर हमारा एक्स है तो उसका 1/4 क्या होगा, 1/4 ऑफ नंबर क्या होगा, 1/4x, उसमें से 18 ऐड करेंगे तो +18। द रिजल्ट इज यानी कि आप क्या कौन से सिंबल दोगे, बराबर की सिंबल। द रिजल्ट इज 2 whole 1/2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमारा कौन सा है, एक्स है, टाइम्स का मकसद है मल्टीप्लाई, तो आप लिखोगे 2 whole 1/2 टाइम्स एक्स। अब ये हमें इक्वेशन जो है ना वो क्वेश्चन के हवाले से इक्वेशन हमें जो है ना हमने उसकी इक्वेशन लिख दी है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब आप क्या करो, जो नंबर्स है वो आप एक साइड पे रखो और जो एक्स वाले जो ट्रम्स है उनको बराबर की दूसरी साइड पे आप शिफ्ट करो, तो ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में है 2 whole 1/2, जब इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करोगे तो ये होगा 5/2x, और ये प्लस का 1/4x है बराबर की उस साइड पे जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा 18, मैंने सेम लिखा, और नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें मैंने 18 सेम लिखा। अब यहाँ पर 5/2x माइनस 1/4x यानी कि दोनों फ्रैक्शंस हैं उनके बीच में माइनस की सिंबल है, तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 और 4 की एलसीएम क्या होगी, इट वुड बी 4। अब इस 4 को डिवाइड करोगे पहले डिनोमिनेटर यानी कि 2 से, 4 डिवाइड बाय 2 आंसर कितना आएगा 2, 2 5 दा कितना होगा 10, और 10x लिखो आप माइनस के सिंबल, 4 डिवाइड बाय 4 रिजल्ट आएगी 1, 1 इंटू 1 क्या होगा 1x लिखो या खाली x लिखो बात एक ही है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें 10x में से x अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगी 9x अपान 4, मैंने सेम लिखा, अपान में 4 का मकसद ये है कि ये 4 जो है वो डिवाइड में है बराबर की उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने लिखा 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 9x, x से 9 मल्टीप्लाइड है बराबर की उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से मैंने लिखा। अब ये 9 का टेबल जो है 18 को आपको पता है कि 2 टाइम्स लगेगा, 2 इंटू 4 कितना होगा 8, तो जो ओरिजिनल नंबर है दैट इज 8, तो लास्ट में आप लिखोगे द नंबर इज 8। मूविंग अहेड, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ए नंबर एंड द रिजल्ट इज डबल्ड, इफ द आंसर इज 6 व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। अगेन देयर इज दिस प्रॉब्लम इज आल्सो बेस्ड ऑन स्टोरी, यानी कि एक स्टोरी है, या आप कुछ इस तरह से कहोगे ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम द प्रोसीजर इज सेम, वी विल गो फॉर सपोजिशन, उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन है वो कंडीशन अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट अ लीनियर इक्वेशन, उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी द नंबर जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेट द नंबर इज एक्स, उसके बाद लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है वो अप्लाई करेंगे और वी विल मेक अ लीनियर इक्वेशन। 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ए नंबर, नंबर हमारा x है तो उसका 4 टाइम्स क्या होगा 4x होगा, उसमें से 5 जो है ना वो आप सब्ट्रैक्ट करो तो आप लिखोगे 4x माइनस 5। ये जो 4x माइनस 5 है दिस इज रिप्रेजेंटिंग 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ए नंबर, उसके बाद क्या है एंड द रिजल्ट इज डबल्ड,
फोर टाइम्स ए नंबर, उसमें से हमने पांच को सबट्रैक्ट किया और इसकी जो रिजल्ट होगी उसको डबल करना है। डबल करना है यानी कि उसको आप टू से मल्टीप्लाई करोगे, इतना पार्ट हो चुका। इफ द आंसर इज सिक्स, आंसर इज सिक्स यानी कि बराबर की सिंबल दे के आप क्या लिखोगे, सिक्स लिखोगे। तो इस तरह से जो हमें क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में वी वेंट फॉर सपोजिशन, और जो कंडीशन हमें गिवन थी जो क्वेश्चन में हमें था उसमें से उस कंडीशन को हमने फॉलो किया एंड वी हैव गॉट अ लीनियर इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये जो 2 है 4x माइनस 5 से मल्टीप्लाइड है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिखोगे 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। अब ये माइनस का 5 है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 6 अपॉन 2 का आंसर कितना होगा, इट वुड बी 3। और माइनस का 5 बराबर की उस साइड पे गया, प्लस में हो चुका, यानी प्लस 5 मैंने लिखा। अब 4x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 कितना होगा, 8। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x से ये 4 मल्टीप्लाइड है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जो टर्म आप डिवाइड करोगे उसको आप डिनोमिनेटर में लिखोगे 8 अपॉन 4। तो 8 अपॉन 4 यानी कि 8 डिवाइड बाय 4, रिजल्ट क्या आएगी, 2। तो दिस इज द नंबर जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या है, 2 इज द ओरिजिनल नंबर। तो आप लिखोगे द ओरिजिनल नंबर इज 2। मूविंग अहेड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। When a number is added to 4, the result is equal to subtracting 10 from 3 times of it. What is the number? The procedure is same. जब आप इसको solve करोगे तो सबसे पहले लिखोगे, हमें number का पता नहीं है तो सबसे पहले आप लिखोगे let the number is x। उसके बाद same according to given condition, जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है वो अप्लाई करेंगे एंड वी विल फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन ओवर हेयर। उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे, उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी सेड एज द रिक्वायर्ड नंबर विच इज बीइंग आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन ए नंबर इज एडेड टू 4, नंबर जो है हमने अज्यूम किया है x है, तो आप लिखोगे x प्लस 4। व्हेन ए नंबर इज एडेड टू 4, तो इसके लिए होगा x प्लस 4। द रिजल्ट इज इक्वल टू यानी कि बराबर की साइन दोगे आप, रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट। जो नंबर है उसका 3 टाइम्स क्या होगा, 3x, उसमें से 10 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप क्या लिखोगे, 3x माइनस 10। द रिजल्ट इज यानी कि बराबर, the result is equal to subtracting 10 from 3 times of it। 3 times of it यानी कि जो number हमने assume किया है उसका 3 time क्या होगा, number x उसका 3 time होगा 3x, उसमें से 10 हम subtract करेंगे तो आप लिखोगे minus 10। अब ये equation बन गई according to the condition जो हमें question में given है। अब this is the linear equation, इसको हम solve करेंगे। तो आप इसको solve करने के लिए जो x वाले जो टर्म्स है उनको बराबर की एक साइड पे आप रखोगे और जो नंबर्स है उनको बराबर की दूसरी साइड पे आप रखें। तो ये माइनस का 10 है, बराबर की इस साइड पे आएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये जो प्लस का x है बराबर की उस साइड पे जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो मैंने लिखा 3x माइनस x, और 4 ऑलरेडी यहाँ पर था, 4 प्लस 10, 3x माइनस x कितना होगा, इट वुड बी 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 10 कितना होगा, इट वुड बी 14। x से 2 जो है मल्टीप्लाइड है तो बराबर की उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, या आप लिखोगे 14 डिवाइड बाय 2, रिजल्ट कितनी आएगी, 7। तो जो हमारा नंबर है दैट इज द 7, उस नंबर में से हम 4 ऐड करें या उसके 3 टाइम्स में से 10 सब्ट्रैक्ट करें, नंबर हमारा 7 है उसमें 4 ऐड करेंगे तो भी 11 आएंगे, या उसके 3 टाइम्स में से 10 सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि नंबर 7 है उसका 3 टाइम्स कितना होगा, 3 7 21, माइनस 10 करोगे तो भी 11 आएगा। यानी कि जो नंबर है उसमें से आप 4 ऐड करो या उसके 3 टाइम्स में से 10 सब्ट्रैक्ट करो, द रिजल्ट इज 11। तो इस तरह से जो नंबर है दैट इज 7। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।